हेलो स्टूडेंट्स, चलंतु स्टार्ट करिबा मेंसुरेशन 2D। तो सबटु फर्स्ट जिनस हला ट्रायंगल्स विषय पढ़िबा। तो ट्रायंगल्स रे आमर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखिबा। तो ट्रायंगल रे गोटे जिनस कि जदि मु गोटे ट्रायंगल विषय कहिबी, ट्रायंगल्स रो सबु एंगल रो सम इंटीरियर एंगल, याको इंटीरियर एंगल कहंती, सबु इंटीरियर एंगल रो सम जदि ए बी आउ सी अच्छे सब इंटीरियर एंगल रो सम केते आसो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आसो, हला। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बुझिबा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स रे फर्स्ट जो अच्छी, फर्स्ट तीनटा जो अच्छी, इट इज बेस्ड अपॉन साइड्स। तो सबटु फर्स्ट आसला स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल रे कोन होबो, स्केलन ट्रायंगल रे ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ डिफरेंट लेंथ, ताको हमें स्केलन ट्रायंगल कहू, हला। जिमिते ट्रायंगल टा हला, ए ट्रायंगल रे एबे ए बी सी आमे यार एजेस को दे दबो कोन ना दे दबो। तो सी सामने जो स्मॉल सी आसीबो हेटा लेंथ ऑफ ए बी आसीबो, तो ए बी रो लेंथ केते हला सी। हिमिति अमरो ए सामने रे जो बी सी आसीबो, बी सी लेंथ टा कोन होबो, स्मॉल ए हे जबो, आउ बी सामने रे जो अछि ए सी ता लेंथ टा केते हे जबो, स्मॉल बी हे जबो। तो ए केस रे कोन अछि, ए केस रे मोर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, आउ एंगल ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, हला। तो ये आसीगला मोर कौन स्केलन ट्रायंगल। तापर आसुची आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल रे कौन, टू साइड्स आर इक्वल। जिमते ट्रायंगल टा कंसीडर करिबा, तो एथरे ए बी इज इक्वल टू ए सी अछि, ए पई ए दीटा गारो पका हेछि, जोटी इक्वल आसी जों एंती गारो पके दवा, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी आसला, ई आसला आइसोसेलेस ट्रायंगल। तापर आसीबो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल रे कोन होबो, इक्विलेटरल ट्रायंगल रे और ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो मोर इटे गोटे गारटे छड़ा जाइए, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी आसीज, आउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आसीज, आउ सब एंगल के 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये तीनटा जो आसला ये बेस्ड अपॉन साइड्स आसला। एबे बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, बेस्ड अपॉन एंगल्स आसो। तो बेस्ड अपॉन एंगल्स रे सब फर्स्ट आसला अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल रे कोन होबो, ऑल द एंगल्स, एंगल्स बोले कोन ए जो भीतर एंगल याको इंटीरियर एंगल कहंती, इंटीरियर एंगल, हैला। ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ए सब एंगल्स पूरा लेस देन 90 डिग्री, ता मीनिंग एंगल ए एंगल बी एंगल सी मोर लेस देन 90 डिग्री हबो, हैला। नेक्स्ट आछि राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल रे कोन हबो, राइट एंगल ट्रायंगल रे वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एथरे गोटे एंगल 90 डिग्री हबो, आउ बाकी दीटा एंगल जो हबो से 90 डिग्री रु कम हबो। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आसीगला, हला। एथरे फिर कौन हबो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हबो, हला। एटा इंपोर्टेंट जिनस अछि, जानिथिबे आपण याको कौन कहते, पाइथागोरस थ्योरम कहते, पाइथागोरस थ्योरम कहते, हला। त
तो ये जिनसटा आसीगला आईर एंगल बी हैला 90 डिग्री ये जो एमती करके दिया होची ना यार मीनिंग हैला एटा 90 डिग्री हबो क्लियर। नेक्स्ट आसुची मोर राइट एंगल पर ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल रो मीनिंग कौन हैला कि एथरे गुट्टे एंगल 90 डिग्री रो बड़ो हबो वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री जिमते ए केस रे एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बाकी दीटा कौन हबो बाकी दीटा हमरो छोटो हे जिवो बोले 90 डिग्री रो छोटो हे जिवो तो जदी एंगल टा 90 डिग्री रो छोटो हबो ताकु अक्यूट एंगल कहंती। जदि एंगल टा 90 डिग्री हम तो ताकु हमें राइट एंगल कहू आदि एंगल टा मोर 90 डिग्री रु बड़ हम ताकु हमें ऑब्ट्यूज एंगल कहू ऑब्ट्यूज एंगल है ये तो इम्पोर्टेंट जिनस हो गला आसब नोट करके पेरिमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल। तो पेरिमीटर कौन हो पेरिमीटर है कि आम ता बाहर बाहर जी बुलव तो ये पेरिमीटर कौन हम पेरिमीटर टा मोर ए केस मोर ए बी के ए बी सी अच्छी ए सी मोर बी अच्छी आउ बी सी टा ए अच्छे है तो पेरिमीटर पेरिमीटर को कैपिटल पी रे डिनोट करा हुची सी कौन ए प्लस बी प्लस सी तो किछु भी ट्रायंगल अच्छी तार लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज नथिंग बट पेरिमीटर है तो पेरिमीटर है एबे एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिबा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल रे डिफरेंट टाइप्स अच्छे बोले कौन जो जो जिनस गिवन अच्छे हे हिसाब से जदि मते एरिया बाहर करियार अच्छे हैला तो जदि मते देची इफ एनी टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन द टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन द टू साइड्स आर गिवन जदि एनी टू साइड्स अच्छे एंगल बिटवीन द टू साइड्स आर गिवन हेतु मोर एरिया टा केत हबो फॉर एग्जांपल मत दिखाई कि ए बी आउ ए सी साइड टा दिखाई आउ भितर एंगल बिटवीन एंगल के अच्छे एंगल ए तो मोर एरिया फॉर्मूला एरिया फॉर्मूला हाफ ठीक अच्छे बी सी साइन ए है ये आसगला जदि मत दिखाई ए बी साइड ए आउ बी साइड दिखाई एंगल सी गिवन अच्छे तो मोर फॉर्मूला हाफ ए बी साइन सी जदि मोर दिखाई सी ए साइड दिखाई सी आउ ए ए साइड टा ए बी आउ बी सी साइड टा दिया है जे आउ एंगल बी गिवन अछि तोमरा हे जबो हाफ ए सी साइन बी तो ये गुटे टाइप रो फार्मूला हे गेला कार एरिया रो ठीक अछि तो याकु बॉक्स रे बंद कर दा तो ये एरिया रो जदी मते दीटा साइड आ गुटे एंगल एंड एंगल बिटवीन द टू साइड्स आर गिवन एमती ना कि दीटा साइड दिया है आउ ये एंगल टा दे हाले मो एरिया बाहर करबे मते दीटा साइड आउ तांको भितरे जो एंगल टा अछे एटा तांको मझिरे जो एंगल टा अछे एटा दरकार हैला तो ये आसी वाला मोर फर्स्ट टाइप एरिया बाहर करिया में हैला। तापरे गुटे जिंस ये अछि कि मोर जदि के पचारला मैक्सिमम एरिया कुथरे आसीबो तो मैक्सिमम एरिया सदाले 90 डिग्री रे आसीबो तो मु कहि परबी मैक्सिमम एरिया एट 90 डिग्री कहार भी जहार भी आम बाहर करूँ मैक्सिमम एरिया टा 90 डिग्री आसव फॉर एग्जांपल जदि मु ए वैल्यूटा नौ तो ए वैल्यूटा हैला केते जदि मु कहिबी कि मोर साइन ए टा मोर 90 डिग्री अछि तो एरिया कौन हिजबो एरिया ऑफ ट्रायंगल आसीजीव हाफ बी सी इंटु साइन 90 के वन हो साइन 90 वन मोर हाफ बी सी आसीजीव है तो ये बाहर कर गोटे टेक्निक है। नेक्स्ट आसला आउ गोटे टाइप रदी
ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ଏରିଆ ବାହାର କରିବି। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ରେ ଯଦି ମୋତେ ଅଲ୍ ଥ୍ରି ସାଇଡ୍ସ ଆର୍ ଗିଭନ୍, ଇଫ୍ ଲେଂଥ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥ୍ରି ସାଇଡ୍ସ ଆର୍ ଗିଭନ୍, ଯଦି ତିନିଟାକ ସାଇଡ୍ର ଲେଂଥ ଗିଭନ୍ ଅଛି, ବୋଲେ ଏ ବିର ସି ଅଛି, ଏ ସିର ବି ଅଛି, ଆଉ ବି ସିର ଏ ଅଛି, ତ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ମୋର ହେଇଯିବ ଅଣ୍ଡର୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ହେଇଯିବ, ହେଲା। ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ, ହିରୋଇନ୍ ୟା ହେରୋଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା କହନ୍ତି, ହେଲା। ଆଉ ଏସ୍ ଏଇଥିରେ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟୁ ହେଉଛି, ତ ଏସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ୟାରିମିଟରର ଅଧା, ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସେମି ପ୍ୟାରିମିଟର, ହେଲା। ସରି, ତ ଇଏ ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍, ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ ଆସୁଛି ମୋର ଏରିଆ ବାହାର କରିବାର, କି ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆଉ ତା କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼, ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ବୋଲେ ହାଇଟ୍ ହେଲା, ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଉପରୁ ଗୋଟେ ସିଧା ବାଡ଼ିଟେ ପକେଇବି ଆଉ ଏଇଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କଲା, ତାକୁ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ କହୁଛୁ। ଅପୋଜିଟ୍ ୱର୍ଟେସେସ୍ରୁ ଏଇଟା ଭର୍ଟେକ୍ସ ଅଛି, ଅପୋଜିଟ୍ ୱର୍ଟେକ୍ସରୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ଟେ ପକେଇବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ମୋର 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ୍ଟା ବନେଇବ, ତାକୁ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ କହନ୍ତି, ହେଲା। ତ କ'ଣ କହିଲି, ଇଫ୍ one side and corresponding altitude is given, to jodi given kon kon achi, bc given achi au ad given achi, to mora formula he jibo itre half एरिया है जो कौन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितने अच्छी बी सी इंटू अल्टीट्यूड या हाइट आम कही पार्बु दैट इज इक्वल टू ए डी, तो वैल्यूटा के हाफ बी सी कितने अच्छे बी इंटू ए डी कितने अच्छे एच, तो हाफ बी इंटू एच आसगला। ए केस रे भी एबे कौन है एंगल बी रु मोर अल्टीट्यूड पकाई कौथे एसी उपरे ଆଉ ଏସିର ଲେନ୍ଥ ବି ଅଛି, ତ ଏଇଥିରେ ଏବେ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଏବେ ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏରିଆ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏରିଆ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ବେସ୍, ବେସ୍ କେତେ ହେଲା ଏସି ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ବି ଡି, ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ହାଫ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍, ତ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିର ଫର୍ମୁଲା ଆସିଗଲା ତାର ଏରିଆର, ହେଲା। ଏବେ ଇକ୍ୱିଲେଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଇକ୍ୱିଲେଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ର ଏରିଆ ବାହାର କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଇକ୍ୱିଲେଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ରେ ମୋର ପ୍ୟାରିମିଟରଟା କ'ଣ ଆସିବ, ତ ମୋର ପ୍ୟାରିମିଟରଟା ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥ୍ରୀ ସାଇଡ୍ସ, ତ ଏଇଥିରେ ଅଲ୍ ଥ୍ରୀ ସାଇଡ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଥାଏ, ତ ମୁଁ ଏ ଏ ଏ ନେଇଯିବି ଆଉ ଅଲ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ତ ପ୍ୟାରିମିଟର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3a ଆସିଗଲା, ହେଲା। ତାପରେ ଇକ୍ୱିଲେଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥାଏ, କି ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟା ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇସେକ୍ଟର ବି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇସେକ୍ଟର ବୋଲେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବି ସି ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଇଏ ଏଇଟା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ଟା ଏମିତି ଅଛି, ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ଟା ଡ୍ରପ୍ କରିବି, ତ ୟାକୁ ଆମେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର କହୁଛୁ, ତ ଇଏ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ତ ଅଛି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ବି ସିକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଉଛି, ଇକ୍ୱାଲି ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଉଛି, ତ ଏ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟା ହେବ ଆମର, ଏଇଟା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇସେକ୍ଟର ହେବ, ହେଲା। ଆଉ ଏଡ଼ିଟା ମୋର ମିଡ଼ିଆନ୍ ବି ହେବ, ମିଡ଼ିଆନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ରୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଭର୍ଟେସିସ୍ରୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଯେଉଁ ତାର ସାଇଡ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ଟା ପକେଇବି ଆଉ ସେ ସାଇଡ୍କୁ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବ, ତ ହେଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ହେବ ସେଇଟା ମିଡ଼ିଆନ୍ ହେବ, ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆନ୍ ବି ଅଛି, ହେଲା। ତ ଏବେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥଟା ଯଦି ଏ ଅଛି, ଇଏ ଏ ବାଇ ଟୁ ହେଲା, ଇଏ ଏ ବାଇ ଟୁ ହେଲା, କାହିଁକି ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥଟା ଏ ନେଇଛୁ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ଏ ଆସିଗଲା,
ଏବେ ମୋର ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ ଫର୍ମୁଲାଟା ମୋର ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ଫର୍ମୁଲାଟା ଅଛି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ବେସ୍ ବେସ୍ କେତେ ହେଲା ବି ସି, ଆଉ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ କେତେ ଅଛି ଏ ଡି ଅଛି, ତ ବି ସିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଅଛି? ବି ସିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୋତେ ଗିଭେନ୍ ଅଛି ଏ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଡି କେତେ ଅଛି? ଏ ଡି ଏଚ୍ ନେଇଛି, ବଟ୍ ଏଚ୍ ନେଲେ ମୋର ଆନ୍ସର୍ଟା ବାହାରିବନି, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏଚ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଇନ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଏ ବି ଡି ଦେଖିବି, ଏ ବି ଡିରେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏଇଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ପାଇଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ୍ ଯଦି ପକେଇବି ତ ମୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କ'ଣ ଆସିବ? ମୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ ବି ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ଡି ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ସ୍କୋୟାର ଆସିଯିବ। ବି ଡି କେତେ ଅଛି? ବି ଡିର ଲେନ୍ଥ ଅଛି ଏ ବାଇ ଟୁ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଏ ଡି କେତେ ହେବ? ଏ ଡିଟା ମୋର ଏଚ୍ ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏ ବି କେତେ ଅଛି? ଏ ବିଟା ମୋର ଏ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ହେଲା। ତ ମୋର ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ଆସିବ? ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଇ ଆସିଯିବ ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଫୋର, ତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କେତେ ଆସିଲା? 3a² / 4 ଆସିଯିବ। ତ ଏଚ୍ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ? ଅଣ୍ଡର ରୁଟ୍ ନେଲେ ଇଏ √3 ହେଇଯିବ, ଇଏ 2 ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଏ ଆସିବ। ତ ମୋର 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ, ଆଉ ଏଚ୍ ଜାଗାରେ √3/2 ଏ ଲେଖିଦେବି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା ସଲ୍ଭ କରିବି, ଥ୍ରୀ ୟାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବି, √3/4 ଏ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଦ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱିଲେଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଆସିଲା। ତ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଲେଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଆସିଗଲା, କ୍ଲିୟର? ତ ଏଇଟା ତ ଇକ୍ୱିଲେଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲର ଏରିଆ ବାହାର କରିବାର ଜିନିଷ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଇନ୍ ସର୍କଲ ଆଉ ଇନ୍ ରେଡିୟସ୍। ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯଦି ସର୍କଲଟେ ବନଉଛି, ସେଇଟା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଇନ୍ ସର୍କଲ କହିବ। ଆଉ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ରେଡିୟସ୍ଟା ହେବ ତାକୁ ଇନ୍ ରେଡିୟସ୍ କହିବ। ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବୁ କି ସର୍କଲ ଇଜ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଆ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସର୍କଲ ଇଜ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଅଛି ତା ବାହାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍କଲଟେ ବନେଇବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ୱିଲ୍ ଟଚ୍ ଦ ସର୍କଲ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍କଲଟା ଆସିବ ୟାକୁ ସର୍କମ୍ ସର୍କଲ କହିବ, ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ରେଡିୟସ୍ଟା ଆସିବ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, ୟାକୁ ଓରେ ଡିନୋଟ୍ କରାହଉଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ସର୍କଲ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ୟାକୁ ସର୍କମ୍ ରେଡିୟସ୍ କହିବୁ। ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ କି ଯେଉଁ ସର୍କଲ ଇଜ୍ ସର୍କମ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇ କେସ୍ରେ ମୋର ସର୍କଲଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବ, ଆଉ କେସ୍ରେ ସର୍କଲଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ରହିବ। ତ ଇଏ ସର୍କମ୍ ରେଡିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ସର୍କମ୍ ସର୍କଲ ହେଇଗଲା। ସର୍କଲ ଇଜ୍ ସର୍କମ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ, ଏଇଥିରେ କ'ଣ? ସର୍କଲ ଇଜ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଅ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ, ହେଲା। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଭଲକି ଦେଖିବି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ ରେଡିୟସ୍ଟା ଆସିଲା, ଇନ୍ ରେଡିୟସ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଇନ୍ ରେଡିୟସ୍ଟା ମୋର ଇନ୍ ରେଡିୟସ୍ଟା ଯେଉଁ ହେବ, ଯଦି ୟାକୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରୁଛି, ତ ଟୋଟାଲଟା ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଟୋଟାଲଟା ମୋର ଏଚ୍ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଏଚ୍ ଆସିବ। ତ ୟାର ଏବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଯିବ? ଏଇଟା ମୋର ସେଣ୍ଟର ଆସିଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ଜିଓମେଟ୍ରି ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ନଉନି, କାହିଁକି ଜିଓମେଟ୍ରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁନି, ୟାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ଼ ବି କହୁଛୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଓଟା, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ଼ ବି ହେବ ଜି। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ଜିଟା 2:1 ରେସିଓରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବ। ତା ମିନିଂ ଯଦି ଟୋଟାଲଟା ଏଚ୍ ଅଛି, ହେଲା, ୟାକୁ ବି ଯଦି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଦେଉଛି, ତ ଇଏ 2 ରେସିଓ ହେବ, ଏଇଟା 1 ରେସିଓ ହେବ, ହେଲା।
तो इन सर्कल जो हम, इन सर्कल कौन हम हाफ वन थर्ड ऑफ द हाइट ऑफ एच है। और सर्कम सर्कल सॉरी इन रेडियस था हिमिति सर्कम रेडियस कौन है जो सर्कम रेडियस जुटा से वो से 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल या ऑल्टीट्यूड को ही परबा ठीक अछि। तो एक केस रे हाफ इनटू एच टा केते अछि एच हला √3/2 ए। तो मोर वैल्यू केते आस गला एक केस रे मोर वैल्यू आसला ए डिवाइडेड बाय 2√3। एटा हमें बाहर करचू फॉर ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल जो इन रेडियस और सर्कम रेडियस बाहर करचू ए केस रे फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ओनली मु जनरलाइज फार्मूला दोनी काहे के जिनसोटा आसन मु खाली एटा गुटे बुझे पई बते दो छी काहे के सीए फिर ज्योमेट्री पार्ट आसी जो आउ ज्योमेट्री इंक्लूडेड नाही। तो 2/3 एच रो वैल्यू केते √3/2 ए। तो ए वैल्यूटा केते आसला ए डिवाइडेड बाय √3 आसी वाला। तो इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन रेडियस इज ए बाय 2√3 एंड सर्कम रेडियस इज ए बाय √3 आसी वाला हैला। तो इन रेडियस टाकु आमे कोण स्मॉल आर रे डिनोट करचू आउ सर्कम रेडियस टाकु आमे कैपिटल आर रे डिनोट करचू हैला। तो ये आसी गला हमरो इन रेडियस और सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिबा आइसोसेलेस ट्रायंगल रो एरिया बाहर करबा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल रे अगेन मोर आइसोसेलेस ट्रायंगल रे ए जो एडी टा हबो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हबो। परपेंडिकुलर बोले एटा 90 डिग्री हबो प्लस ये बी सी टी को टू इक्वल पार्ट्स रे डिवाइड करबो। तो जदि टोटल लेंथ टा यार बी हला तो बी डी रो लेंथ केते हिजबो बी बाय 2 हिजबो। तो मोर आ ए केस रे ए एडी टा मीडियन भी हबो काहे के अपोजिट वर्टिसेस रो अपोजिट ए साइड ऊपर जो लेंथ अछि सी डीटा इक्वल पार्ट रे बीसी को डिवाइड करती। तो मोर ए डीटा कोन होबो ए डीटा मोर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होबो आउ ए डीटा मोर मीडियन भी होबो क्लियर। तो एबे एरिया ऑफ ट्रायंगल कोन होबो एरिया ऑफ ट्रायंगल होबो हाफ इनटू बेस बेस केते अछि बीसी बीसी इनटू एडी है जीवो। एबे बीसी रो वैल्यू केते अछि बीसी रो वैल्यू बी अछि आउ एडी केते अछि एच अछि बट मते एच रे नै मते ए आउ बी फॉर्म रे बाहर करिया रो अछि। तो जदी मु ट्रायंगल ए बी डी देखबी इन ट्रायंगल ए बी डी मोर एच स्क्वायर प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आसी जीवो काहे कि ए यार स्क्वायर प्लस यार स्क्वायर इज इक्वल टू यार स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मोर एच स्क्वायर रो वैल्यू कोन आसीबो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 या मो लिखि परबे याकु 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 आसीबो हैला। तो एच रो वैल्यू केते आसला एच रो वैल्यू आसीबो मोर 1/2 कहीं कि यार अंडर रूट नेले यार अधा ही जीवो तापरे 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रो अंडर रूट आसी गला। तो ये वैल्यू टा एच रो आसी गला। एबे हम कोन करबा एच रो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देबा इथरे। तो हाफ बी आउ एच रो वैल्यू केते अछि 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू टा सॉल्व करले आसीबो 1/4 इनटू बी इनटू अंडर रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कौन आसला माइनस ये आसला एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आसे क्लियर। तो मोर आइसोसेलेस ट्रायंगल रो एरिया बाहर करला। नेक्स्ट आसो जी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल रे फर्स्ट जिनस राइट एंगल ट्रायंगल रे मोर बेस टा कोन हबो बेस टा हला बीसी आउ हाइट टा कोन आसीबो हाइट टा मोर आसी जीवो एबी। तो मोर एरिया का कोन आसीबो एरिया आसी जीवो हाफ बेस बेस केते हला बीसी हाइट केते हला एबी। दिस इज इक्वल टू हाफ बीसी रो वैल्यू केते बी एबी रो वैल्यू केते एच। तो हाफ बी इनटू एच आसीबो हला। तो एटा इंपोर्टेंट जिनस अछि। तापर ए केस रे ए जो
बीडीटा हम ए ट्रायंगल पे बीडीटा मीडियन हम ता मीनिंग है ये दीटा इक्वल पार्ट रे डिवाइड कर तो बीडी कौन हो बीडीटा मोर मीडियन होते दरकार ना कहीं ये जिनसटा मोर ज्योमेट्री पार्टा अच्छे आउ बीडी जो हम सी हाफ ऑफ एसी आसीज है यहाँ गोटे इम्पोर्टेन्ट जिन अच्छे आईटे बीडीटा मोर सरकम रेडियस भी हम सरकम रेडियस बोले कौन सरकम रेडियस ता मीनिंग कौन जदि मु जो तीन टा साइड को जॉइन करके गोटे सर्कल टे बन ये जो तीन टा यार वर्टिसेस मोर ए सर्कल ऊपर लाई कर तो ये सर्कल रो जो सेंटर डी हम आर रेडियस टा कौन हो आर हो दैट इज सर्कम रेडियस क्लियर तो मेन तो मोर एरिया साथ मतलब अच्छे कहीं यहाँ ज्योमेट्री पार्ट आसी जाऊँ आ ज्योमेट्री एक्चुअली ये सब कोर्स ना है तो अजथा ज्योमेट्री पढ़ के टाइम नष्ट करेंगे ना बहुत जगह ज्योमेट्री पढ़ा हो ज्योमेट्री पढ़ के अजथा टाइम नष्ट कराया कथा आ पा कहते हमको ज्योमेट्री आसुनी ज्योमेट्री आसुनी अरे ज्योमेट्री दरकार अच्छी सीजीएल रे एस एस सी सीजीएल रे सी एच एस एल रे रेलवे एग्जाम्स दरकार अच्छे ए दरकार ना तो टाइम लॉस कर किसी लाभ भी ना है नेक्स्ट आस सॉरी ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स हैव एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस ता मीनिंग कौन है जदि दीटा ट्रायंगल अच्छे एटा ट्रायंगल एबीसी आउ एटा ट्रायंगल पीक्यूआर अच्छे तो सी जदि कहुची कि इफ हाइट्स आर इक्वल बोले एडी इज इक्वल टू पीएस अच्छे देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल पीक्यूआर जो हम सी तार कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस साथरे समान है जो ता मीनिंग कौन बीसी डिवाइडेड बाय क्यूआर अच्छा इथरे आउट इम्पोर्टेंट जिनस अछि कि जदि इफ इफ द ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस हैव एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड या हाइट ता मीनिंग कौन है इफ मोर बी सी इज इक्वल टू क्यूआर अच्छी देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एस एटा गोटे इम्पोर्टेन्ट जिनस एटा मन रखे तो काम दब है तापर नेक्स्ट आसुच मोर एटा नोट रो सेकंड पार्ट कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अच्छी आउ जदि बी सी टा मोर ई एफ साथरे समान अच्छी देन बीसी टा मोर बेसटा समान अच्छी देन ए एल इज इक्वल टू डीएम हम एंड वाइस वर्षा ता मीनिंग कौन एंड वाइस वर्षा ता मीनिंग कौन कि ता मीनिंग है कि जदि मोर बेस समान अच्छी जदि दीटा ट्रायंगल रो एरिया इक्वल अच्छा जदि बेस समान अच्छी दीटा करो तो अल्टीट्यूड भी समान आसो या मुझे कह भी अल्टीट्यूड समान अच्छी तो बेसटा भी समान आसो जदि दीटा को एरिया समान आसला तापरे एरिया रे सेवेन्थ पॉइंट जोटा अच्छे सी आसला ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एबे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल पई भी आमे बाहर केमती करबा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट तो बेस मोर कौन हो गला हाफ बेस हला बीसी अच्छा एबे हाइट देखिबा या अल्टीट्यूड देखिबा अल्टीट्यूड जोटा हबो एटा माने ना कि सदाले ट्रायंगल भितरे पड़ो ए केस रे अल्टीट्यूडटा बाहर पड़ी ट्रायंगल बाहर आसी तो एई केस रे एडीटा केते है एडीटा मोर अल्टीट्यूड हो गला तो एडी डायरेक्ट यार फॉर्मूला आसी गला हला एटा इंपोर्टेंट जिंस अछि माने रखिबे तापरे नेक्स्ट आसुची मोर पॉलीगन्स बोले कौन पॉलीगन्स होला जोधरे तीन रो अधिका साइड हबे जो फिगर रे हला ताको पॉलीगन कहवा तो पॉलीगन एक्चुअली दी प्रकार हो पॉलीगन्स मोर कौन हो
दी प्रकार बेसिकली दी प्रकार गोटे हूँ कॉन्वेक्स पॉलीगन आउ गोटे हूँ कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन रे इंटीरियर एंगल जो हूँ हैला इंटीरियर एंगल जो हूँ सब 180 डिग्री रु सान इंटीरियर एंगल 180 डिग्री रु सान जमी ये कॉन्वेक्स पॉलीगन अच्छी एटा है इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन सब इंटीरियर एंगल मोर 180 डिग्री रु सान कि ना तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गला। पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन बोले कौन कि गोटे इंटीरियर एंगल मोर गोटे भी हो पारे दीटा भी हो पारे एमती माने ना। तो इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री आसला जमी एटा इंटीरियर एंगल आसला दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री कि ना तो मोर ये आसगला कौन कॉनकेव पॉलीगन। अच्छा एबे पॉलीगन आमे जो पढ़ू आमे रेगुलर पॉलीगन को पढ़ू तो पॉलीगन रे सब साइड इक्वल भी हो पारे इक्वल न भी हो पारे। तो इन अ पॉलीगन ऑल साइड्स आर इक्वल और मे नॉट बी इक्वल जेतोले ऑल साइड्स आर इक्वल ताको आमे कहिबू रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन या विषय ही आमे पढ़िबू हैला। तो रेगुलर पॉलीगन कौन जोथरे मोर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो एग्जाम्पल देखा एग्जाम्पल है मोर ट्रायंगल तो नहीं एक्चुअली कहले इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रे मोर सब इंटरनल एंगल समान आउ सब साइड्स गुरा भी समान हेमिति स्क्वायर जो अच्छी स्क्वायर रे ट्रायंगल रे तीनटा साइड आसला स्क्वायर रे सब साइड्स गुरा समान आउ सब एंगल गुरा भी कौन इंटरनल एंगल भी समान हेमिति पांचटा साइड जो आसछि ताकु एगुरा सब रेगुलर पॉलीगन कहीं सब साइड्स इक्वल अच्छे एथरे सब साइड्स आर इक्वल। या पांचटा साइड को आम पेंटागन कहबू पेंटागन रे सब इंटरनल एंगल समान हैमती छटा साइड आसला हेक्सागन हम ये भी सब इंटरनल एंगल समान रेगुलर हेक्सागन आ सब साइड्स आर समान जदि सातटा साइड्स हम ताको आम कहबू आम हेप्टागन ठीक अच्छे रेगुलर हेप्टागन कहीं सब साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आठटा साइड जदि हम ताको आम कहबू ऑक्टागन हला ये चांसेस नहीं पॉलीगन रो तो क्वेश्चन एवं जाके आसीनी बट मु बते दोची हला। तो इम्पोर्टेंट काले जदि किछु क्वेश्चन आसीगला प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन ए पर मु पॉलीगन टा बते दोची हला। तापर बुझिबा इंटरनल एंड इंटीरियर एंगल आउ एक्सटीरियर एंगल। तो नेक्स्ट हला इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल तो आम बुझीगल 1, 2, 3, 4, 5 तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एगुरा कौन आसगला इंटीरियर एंगल्स आसगला। अच्छा एक्सटीरियर एंगल कौन एक्सटीरियर एंगल हम एवं फॉर एग्जांपल एठू स्टार्ट कली तो इमिति गोटे लाइन टू भिड़िली जोटा 90 डिग्री हम एबे जिमिति चालुची हे हिसाब रे मु जीवी एठी कोन मु क्लॉकवाइज जाउची तो एठी भी इमिति नेकी जीवी तापर इमिति नेकी जीवी इमिति जीवी इमिति नेकी जीवी इमिति यार मीनिंग ना कि एपोटे नै जीवो या एपोटे नै जीवो जो साइड रे चालुची जिमिति एठी मु कोन करची ए लाइन टाको इमिति बढ़ाइली ए लाइन टाको इमिति बढ़ाइली मु गोटे ट्रायंगल रे एग्जांपल देखौची बुझी परबे। फॉर एग्जांपल एटा मोर ट्रायंगल हे गला तो ये इंटीरियर एंगल हैला एबे इंटीरियर एंगल हैला याकू इमिति बढ़ाइली तो एबे याकू इमिति बढ़ेबिनी
ये कौन केमती जाइए एपट साइड रे जाइए तो ये एंगल भी एमती जीव आ ए एंगल टा भी एमती जीव तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि रेगुलर पॉलीगन भी सर इक्विलेटरल ट्रायंगल और एनी ट्रायंगल तो 1 2 3 इंटीरियर एंगल हो गले 4 5 और 6 एक्सटीरियर एंगल हो गए हे हिसाब रे एठी कोन होबो एठी मोर एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 एंगल 9 और एंगल 10 जुटा हबो ये एक्सटीरियर एंगल हबो एक्सटीरियर एंगल मन रखिबो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हमें रेगुलर पॉलीगन ए पई नउचू काहे कि एथरे इंटीरियर एंगल और सब इंटीरियर एंगल समान हबो और सब एक्सटीरियर एंगल भी समान हबो अनइक्वल असले मु किछ भी बाहर कर परबिनि तो गोटे रेगुलर पॉलीगन रे मोर इंटीरियर एंगल रो सम इंटीरियर एंगल आउ एक्सटीरियर एंगल रो सम मोर कोन हबो 90 डिग्री हबो एटा इंपोर्टेंट जिंस अछि इंटीरियर एंगल रो सम आउ एक्सटीरियर एंगल रो सम 90 डिग्री हबो तापरे नेक्स्ट जिंस आसीबो कि ए केस रे नेक्स्ट जिंस आसीबो एबे जदी मते टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल बाहर करिया रहछि तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मो रेगुलर पॉलीगन विषय रे कथा होची तो एक्चुअली एटा सम सबु पई हबो बट आमे रेगुलर पॉलीगन नबा तो कोन हे जीवो जदी एन हैला तारो नंबर ऑफ साइड्स फॉर जदी गोटे पॉलीगन रे एन नंबर ऑफ साइड्स होची तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हे जीवो एन माइनस 2 इनटू 180 डिग्री हैला जिमिति मो एग्जांपल नउची फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल नबा इक्विलेटरल ट्रायंगल रे एटा मोर इक्विलेटरल ट्रायंगल आसला ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री हैला एथरे नंबर ऑफ साइड्स केते 3 तो सम कते आसबो सम आसीबो 3 माइनस 2 इनटू 180 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमर 180 डिग्री रहउछ एनी ट्रायंगल रो सम भी एनी ट्रायंगल रो इंटरनल एंगल सम भी 180 डिग्री रहउछ एटा इंपोर्टेंट जिंस अछ अच्छा तापर आउट इंपोर्टेंट हला कि मोर सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मोर 360 डिग्री होची हला आमे रेगुलर पॉलीगन विषय रे पढु छु हिमती किछ भी नेले भी 360 डिग्री जिमते एग्जांपल मु नउ छी इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 60 है एटा 60 है एटा 60 जदि मु ए एंगल टा हिमती नेली एटा को हिमती और एटा को हिमती ये हे जीवो 120 एक्सटीरियर एंगल ये 120 एक्सटीरियर एंगल ये 120 तो 120 120 120 तो 360 हे गला कि नै हला तो मोर सम ऑफ अच्छा जदि मु पछरिबी ईच एक्सटीरियर एंगल कोन हे जीवो ईच इंटीरियर एंगल फर्स्ट बुझबा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कोन हबो एबे रेगुलर पॉलीगन रे टोटल एन साइड्स अछि आउ टोटल एन साइड्स रो इंटरनल एंगल रो सम अछि एन माइनस 2 इनटू 180 डिग्री जदि एथरे मु डिवाइडेड बाय एन कह देबी तो मते ईच इंटीरियर एंगल रो वैल्यू मिल जइबो तो मोर ओ आसीबो ए केस रे एन माइनस 2 इनटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय एन हिमिति ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कोन हे जइबो रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू मोर टोटल एक्सटीरियर एंगल रो सम केते 360 डिग्री डिवाइडेड बाय जदी नंबर ऑफ साइड एन अछि तो 360 बाय एन आसी जइबो हला तो ये आसी गला कोन इंटीरियर आउ एक्सटीरियर एंगल मोर कारो रेगुलर पॉलीगन रो
तो ए वीडियो रे एति की नेक्स्ट जो हम वीडियो देखबा हेतरे हमें एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन विषय रे कथा हबा ठीक अछि तापर पॉडिलेटरल देखिबा आउ टाइप्स ऑफ पॉडिलेटरल देखिबा सो थैंक यू वेरी मच।